फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारती इंफ्राटेल शेयर के बारे में। भारती इंफ्राटेल शेयर ने देखिए 199.35 पे क्लोजिंग दी है फ्राइडे को। 2.95 यानी 3 रुपये के आसपास शेयर बढ़ा है और करीबन हमें 1.5% शेयर में इंक्रीज देखने को मिला है। फ्रेंड्स, तो बात करेंगे मंडे को कैसा रहेगा, क्या तेज़ी कंटिन्यू रहेगी कि यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों, उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। देखिए फ्रेंड्स, जो भारती इंफ्राटेल का देखे तो देखिए काफ़ी अच्छा खासा चार्ट देखने को मिला है हमें फ्राइडे को। और देखिए यहाँ पे जो डे लो से ये भागा था, यहाँ पे कह सकते हैं अराउंड 195 से जो भागा था ये शेयर, देखिए काफ़ी लास्ट में एक ब्रेकआउट ज़रूर देखने को मिला है हमें। देखिए काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट था जो 200 के पास ले गया था इसको। अब क्लोजिंग ज़रूर नहीं हो पाई शेयर में 200 की, लेकिन देखिए 200 के पास ज़रूर ले गया था ये ब्रेकआउट। और हमें लगता है ये ब्रेकआउट आपको मंडे को भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए शेयर में क्या हुआ, देखिए पूरे हफ्ते शेयर में देखा जाए तो हमें 199.35 पे जो क्लोजिंग दिया, लेकिन देखिए ये जो 200 का लेवल था वो इसने इस हफ्ते भी पार किया था, लेकिन देखिए यहाँ से एक गिरावट का संकेत देखने को मिल ही रहा था कि देखिए एक ब्रेकआउट आ गया है। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए शेयर में वापस से 200 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब 200 पे देखिए कहाँ टकरा ये शेयर, देखिए अगर एक महीने में देखें तो एक महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिला है हमें भारती इंफ्राटेल के शेयर में। देखिए 230 के आसपास शेयर गया था, लेकिन देखिए वहाँ से जो गिरावट देखने को मिली थी वो इसको फिर से 190 के आसपास लाके छोड़ दिया था इसने। अब देखिए फिर से शेयर में आपको तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने अपना जो सपोर्ट है वहाँ से वापस से ये ऊपर आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हमें लगता है वापस से अगर आप इसमें तेज़ी करेंगे तो आपको 200 से लगाकर 225 तक के लेवल्स आपको जल्द ही इस अगले हफ्ते या फिर इस महीने के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए शेयर का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 230 का, वो अगर पार होता है तो देखिए शेयर में, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उस पर कहा था, देखिए 230 का लेवल है, 230 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होगा तो आपको यहाँ से शेयर 250 तक भी जाते हुए देखने को मिल जाएगा। 250 तक आपको शेयर जाता हुआ मिल जाएगा अगर ये 230 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो। लेकिन दोस्तों ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है कि देखिए यहाँ से शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। देखिए शेयर जहाँ पे अभी है वो इसका बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो 195 का है। और देखिए 198 से शेयर ने वापस से बाउंस बैक किया। और देखिए यहाँ पे एक आपको सडन स्पाइक देखने को मिला है आखिरी दिन के चार्ट में। देखिए यहाँ से हमें लगता है शेयर में मंडे को भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए चार्ट में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और देखिए यहाँ से हमें लगता है शेयर में आपको तेज़ी करने की सलाह है। अब देखिए शेयर में इंपॉर्टेंट देखिए आपको देखना पड़ेगा कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। टेक्निकल्स का देखिए इंपॉर्टेंट खेल होता है, और टेक्निकल्स का देखिए यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट मिनट पे क्या हुआ है, एक्टिव जो सेल था वो कंटिन्यू है। बिकॉज देखिए पूरे होल डे में आपको यहाँ पे सेलिंग दिखेगा, पर देखिए लास्ट मिनट पे सेलिंग प्रेशर आया है। पर यहाँ पे हमें लगता है देखिए बाइंग करेंगे आप शेयर को तो काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए सडन लास्ट में स्पाइक आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या 13 सेल 8 बाय, 3 सेल 2 बाय एंड 10 सेल 6 बाय। लेकिन देखिए बाइंग की क्वांटिटी हर जगह है, और देखिए ज़्यादा सेल की ज़रूरी है, क्योंकि देखिए होल डे में थोड़ा सा आपको नेगेटिव में वे ये मूव कर रहा था, लेकिन देखिए आखिरी में जो आया है वो उससे तेज़ी ज़रूर देखने को आपको शेयर में मिलेगी। अब शेयर के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस में देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा इसका वो होगा 208 का पहला। देखिए 208 का फर्स्ट है, क्योंकि देखिए 208 से तेज़ी का माहौल चालू होता है। और देखिए यहाँ पे जो अभी शेयर है वो 200 के ऊपर भी क्लोजिंग देगा, तो देखिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस पर बिल्डअप होगा, और यहाँ से हमें लगता है तेज़ी फिर से देखने को मिलेगी शेयर के अंदर। बस 200+ की आपको इसमें क्लोजिंग देखने को मिल जानी चाहिए मंडे को। अब देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होगा दोस्तों 180 के नीचे अगर शेयर जाता है तो, 185 भी आ जाए तो मैं आपको सेलिंग की आपको सलाह देता हूँ, क्योंकि देखिए 185 पे शेयर में आपको गिरावट के संकेत देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है जो इसको 170 से लगाकर 175 तक लेके जा सकती है। अब देखिए शेयर में आपको यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बाइंग की सलाह दूंगा, लेकिन देखिए आपको मंडे को थोड़ा सा एक बार कॉशियस ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मंडे को थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो यहाँ पे इस पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की आपको बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस पर चला ध्यान रख के इसमें आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज़ अच्छा काउंटर है यहाँ पे। अगर आप बाइंग करेंगे तो मुझे लगता है आपको दिवाली तक इसमें 230 से अगर 250 तक के लेवल्स आसानी से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो में इतना था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।